हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो मैं खास उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो फॉक्सवैगन की मैनुअल गाड़ी पहली बार चला रहे हैं या जिन्होंने दूसरी गाड़ी बेच के ये ली है, तो आपको ये दिक्कत महसूस होगी। वैसे ये कोई गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें एक नई आदत डालनी होती है। जैसे इसमें आपको थोड़े दिन क्या महसूस होगा कि इसका फर्स्ट से सेकंड जाने में दिक्कत आ रही है या थर्ड से सेकंड गियर में गाड़ी को डालने में दिक्कत आ रही है। वैसे ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे हम फर्स्ट में तो नॉर्मल गाड़ियों की तरह इसको डालते हैं, लेकिन जब आप सेकंड में डालेंगे तो ये इस तरह से अटकता है। एक्चुअली ये फर्स्ट इसका यहाँ है और सेकंड यहाँ है। हमें क्या आदत होती है कि हम पूरा लेफ्ट में पुश करके इसको पीछे लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये इस तरह से नहीं जाएगा। जैसे आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं, इसका सेकंड गियर इधर लेफ्ट साइड कॉर्नर में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बीच में है। तो आपको फर्स्ट तो ऐसे ही डालना है और सेकंड डालते टाइम थोड़ा सा कम जोर लगाना है, या फिर कह लो थोड़ा सा राइट लेना है। जैसे दिखा रहा हूं, ये फर्स्ट और ये थोड़ा सा पुश करके सेकंड। खासकर दिक्कत तब भी होती है जब आप थर्ड से सेकंड में जा रहे हैं। थर्ड और सेकंड इस तरह से डालना है और ना कि इस तरह से। इस तरह से ये जाएगा ही नहीं। इसका रिवर्स भी दूसरी गाड़ियों के मुकाबले अलग है। इसके लिए आपको पुश करके ऐसे रिवर्स में डालना है। कुछ दिन में आपको ये आदत लग जाएंगी, लेकिन आपको थोड़े दिन के लिए ऐसा लग सकता है कि गाड़ी में कुछ दिक्कत है। ये दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ ग्राफ में भी इसी तरह दिया गया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।